नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्नो व्हील्स में। मैं हूँ आपका दोस्त अमन सारा और यहाँ पे लेके आया हूँ आज आपके लिए खूब सारी न्यूज़। तो आशा करता हूँ आपको ये डेली डोज पसंद आएगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके इसे फैलाइए और हो सके तो डोनेट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पता लगा लेते हैं आज के इस डेली डोज के बारे में और आशा करता हूँ आपको हमारा प्रीवियस डेली डोज पसंद आया होगा। यहाँ पे बात करें आज के सबसे पहली डेली डोज की, तो ये आ रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप की है नोकिया के साथ और यहाँ पे लेके आने वाले हैं स्मार्ट टीवी, वो भी मेड इन इंडिया वाली। तो यहाँ पे जल्दी आपको नोकिया ब्रांडेड यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको देखने मिलेगी स्मार्ट टीवी। अब देखते हैं किस प्रकार से ये नई स्मार्ट टीवी देखने मिलती है, क्या ओवरऑल फीचर होते हैं और क्या रखी जाती है प्राइसिंग। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इन स्मार्ट टीवी को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एलजी के एक नए पेटेंट से और इससे मालूम पड़ा है कि यहाँ आपको मिलने वाला है पेंटा कैमरा और यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको पेटेंट देखने मिल रहा है। पेटेंट अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि जो बॉडी है वो स्लिम होने वाली है, कैमरा यहाँ आपको दिखाया जा रहा है और लुकिंग वाइज ये अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से ये पेंटा कैमरा देखने मिलता है, क्या ओवरऑल फीचर होते हैं और कब तक ये मार्केट में आता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस पेंटा कैमरा वाले स्मार्टफोन को यूज करना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है फर्स्ट जनरेशन वाले गूगल पिक्सल फोन से और यहाँ पे फाइनल अपडेट आपको दिसंबर में मिल जाएगा और उसके बाद ये स्मार्टफोन रिटायर हो जाएगा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी अभी यूज कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन वाला पिक्सल फोन, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है स्टफ कूल कंपनी की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दिया इनका नया पावर बैंक और ये क्रेडिट कार्ड जितना छोटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा, इजीली आप इसे हाथ में रख सकते हैं और इजीली आप इसे जेब में रखकर कहीं पे भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे बात करें फीचर की, तो यहाँ आपको ड्यूल पोर्ट्स मिल जाते हैं, फास्ट चार्जिंग के साथ ही आता है, क्यूचार 3.0 आपको यहाँ मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट आपको देखने मिलेगा, 18 वॉट पावर डिलीवरी देखने मिलती है जो प्रोवाइड करवाती है 50 से 70% फास्टर चार्जिंग। यहाँ पे बात करें उन चीज़ों की, तो यहाँ आपको टाइप सी इनपुट और आउटपुट देखने मिल रहा है, एलईडी इंडिकेटर मिल जाएगा, BIS अप्रूव्ड ये मिल रहा है, आपको छोटी साइज मिल रही है और आपको यहाँ पर फ्री में टाइप सी टू USB A मिनी केबल भी मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए फ्यूचर वाइज ये अच्छा है। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो ये अवेलेबल हो चुका है कंपनी की साइड, Amazon और Flipkart से भी आप ले सकते हैं और यहाँ पर प्राइसिंग रखी गई है 1699। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस 10,000 mAh वाले पावर बैंक को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है फॉसिल कंपनी की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दी इनकी एक नई स्मार्ट वॉच, ये है हाइब्रिड HR और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी वॉच लग रही है, जो ट्रेडिशनल वॉच लुक मिलता है वो आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पे आपको 42 mm की केसिंग देखने मिलेगी, यहाँ आपको एनालॉग डायल तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ ही साथ आपको ऑलवेज ऑन ई इंक डिस्प्ले भी मिल जाती है। ये डिस्प्ले प्रोवाइड करवाती है आपको नोटिफिकेशन, अलर्ट, हार्ट रेट, एक्टिविटी ट्रैकिंग डाटा और यहां पर आप इसे इसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं या आप म्यूजिक प्लेबैक भी कर सकते हैं और डिस्प्ले को आप अपने हिसाब से या पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। यहां पर कंपनी का कहना है कि ई इंक डिस्प्ले के कारण आपको 2 वीक की बैटरी लाइफ मिलेगी, वो भी सिंगल चार्ज में, जो कि एक गजब की चीज है। यहाँ पर आपको लेदर, सिलिकॉन और स्टेनलेस स्टील स्ट्रेप्स मिलेगी, ये आपको 3 ATM तक का वाटर प्रूफ मिल जाता है, एंड्रॉइड 5.0 या उससे ऊपर या फिर iOS 9.0 या उससे ऊपर के यहाँ पर ये कंफर्टेबल करता है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 4.2 भी मिल जाता है। बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो ये अवेलेबल हो चुका है US के अंदर और यहाँ पर प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है $185 से। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस नई स्मार्ट वॉच को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यह आ रही है गूगल पिक्सल 4 के एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड से और यह अब ऑफिशियली अवेलेबल हो चुका है ओल्डर पिक्सल फोन्स के लिए। तो अगर आप कोई पुराना पिक्सल फोन यूज कर रहे हैं तो जाइए उसे अपडेट कीजिए और यहाँ पर आपको ये मोड मिल जाएगा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी वेट कर रहे थे इस एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड के लिए, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, ये आ रही है MSI कंपनी की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने इंडिया में अनवील कर दिए हैं कुछ नए लैपटॉप। पहला आपको देखने मिलेगा क्रिएटर सीरीज के अंदर, यहाँ पे आपको मिलता है 17.3 इंच
4K या फुल एचडी में आप ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले वाला। यहाँ पे बात करें उन चीजों की, तो यहाँ आपको अप टू इंटेल 9 जनरेशन कोर i9 प्रोसेसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एनवीडिया का जी फोर्स 2070 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। मैक्स क्यू डिजाइन के साथ ये आता है। 16 GB रैम मिल जाएगी, 1 TB की SSD मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इन बिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको थंडरबोल्ट 3 भी मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें अवेबिलिटी प्राइसिंग की, तो ये अवेलेबल हो चुका है और यहाँ पे प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 1,49,990 से। यहाँ पे बात करें अगले की, तो ये आपको देखने मिलता है इनकी मॉडर्न सीरीज में, और यहाँ पर ये आपको मिलेगा 14 इंच और 15.6 इंच में। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको 10th जनरेशन वाला इंटेल कोर i7 प्रोसेसर मिल जाएगा। एनवीडिया जी फोर्स MX250 आपको GPU मिलने वाला है। 8 GB रैम, 512 GB आपको SSD मिल जाएगी। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है और यहाँ पर आपको ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी मिल रही है वाली है। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो ये अवेलेबल हो चुका है और यहाँ पे प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 59,990 से। बात करें अगले और फाइनल सीरीज की, तो ये आपको प्रेस्टीज सीरीज में से लैपटॉप देखने मिलेंगे और यहाँ पर आपको 4K पैनल मिल जाता है। एनवीडिया GeForce GTX 1650 ग्राफिक मिल जाएगा, थंडरबोल्ट 3 मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कूलर बूस्टर 3 टेक्नोलॉजी मिल जाती है। यहाँ पर कंपनी का कहना है कि मॉडर्न सीरीज आपको देगी 10 घंटे की बैटरी लाइफ और वहीं प्रेस्टीज सीरीज आपको देगी 16 घंटे की बैटरी लाइफ, वो भी सिंगल चार्ज पे। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 8 GB रैम, यहाँ पे 1 TB की आपको SSD मिल जाएगी और यहाँ पर आपको NVIDIA GeForce MX250 GPU भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो ये अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ पे प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 99,990 से। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप MSI के इनमें से कोई भी एक नया लैपटॉप लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की, तो ये आ रही है हुंडई कंपनी की तरफ से और यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं अप टू 2 लाख तक का डिस्काउंट, वो भी अगर आप इनकी इलेंट्रा, क्रेटा या एक्सेंट खरीदते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी खरीदते हैं तो अप टू 2 लाख तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप अच्छी प्राइसिंग में गाड़ी ले जा सकते हैं। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डॉज की, तो ये आ रही है स्कोडा की तरफ से और यहाँ पर आप जानते हैं इनकी आने वाली है नई 2020 वाली ऑक्टिविया। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ और स्केचेस शेयर किए हैं जिसके अंदर बताया कि कुछ इस प्रकार से आपको इंटीरियर देखने मिलेगा। इंटीरियर बहुत ही लाजवाब लग रहा है और यहाँ पर आपको गजब की बड़ी डिस्प्ले मिल रही है और लग रहा है बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर मिलने वाला है। साथ ही साथ बताया कि कुछ इस प्रकार से आपको ये स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और स्टीयरिंग व्हील भी बढ़िया लग रहा है और कंट्रोल सारे आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं कब तक स्कोडा की ये नई ऑक्टिविया आती है, क्या ओवरऑल फीचर होते हैं और क्या रखी जाती है प्राइसिंग। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये स्केच पसंद आए कि नहीं आए, कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसे लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके इसे फैलाइए और हो सके तो डोनेट कीजिए। यहाँ पे वीडियो क्वालिटी अभी थोड़ी बिगड़ रही है, उसके लिए तहे दिल से माफी चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में और बेहतर और बढ़िया वीडियो क्वालिटी लेके आए। तो गाइस मिलता हूँ अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त अमन सारड़ा, भारत माता की जय।